में गए वहां भी तू नहीं है, अरे कहां था तू अब तक। यीशु मसीह ने डांट लगाई उनको, बोलता है मुझे पता है तुम क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है। कह रहा मैंने 5000 लोगों को रोटियां खिलाई, कह रहा 5 रोटी 2 मछलियों से, कह रहा मैंने 5000 लोगों को खाना खिलाया, मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए मुझे तुम ढूंढ रहे हो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को इसलिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सब खाने के लिए आए हैं, सब खाने के लिए आए हैं, लेकिन आज परमेश्वर उनके लिए आया है जो अच्छी भूमि बनने के लिए आया। आज रात मैं कह रहा हूँ 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना देने वाला आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज मांगना ना पड़ेगा, आज जो 100 गुना लेना चाहता है बोलो अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं आज से कह रहा हूँ तेरे रोटियों के दौड़ में नहीं खड़ाऊंगा, मैं रोटियों की लाइन में नहीं खड़ाऊंगा। अगर मैं लंगर लगा दूं यहाँ पर अभी रोटियों की लाइन में लगी होंगी, अभी लड़ाई लड़ रही होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छी भूमि बनकर दिखाते हैं, बहन तू खा पहले, पहले मैं तेरे को खिलाऊंगी, मैं सेवा करूंगी। ऐसी भूमि याद रहा ढूंढ रहे मेरा परमेश्वर, ऐसी भूमि को ढूंढ रहा है। कह रहा है ऐसी भूमि को ढूंढना चाहता है कि बहुत सारे लोग कह रहे गेट पे निकलते ही जैसे गेट खुलता है भागते बाहर, पहले मैंने जाना पहले मैंने जाना पहले मैं पहले मैं। लेकिन उसी समय कुछ लोग बोलते हैं कि कोई नहीं बहन पहले तू जा, बस कंडक्टर की लाइन में बस में खड़े होते हैं और पहले दौड़ कर बैठ जाते हैं सीट पर। और इसी समय कुछ लोग वहां पर बैठते नहीं है, बोलते हैं हम मसीह की भूमि है, भूमि बोलते हैं हम बोने वाले हैं, हम खड़े होकर चले जाएंगे दिल्ली तक, लेकिन बब्बू तू बैठ जा। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर में कह रहा है एक बस नहीं देगा किराए की, अपनी बस देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको ऐसा बनना है, आपको अगर ऐसा बनना है आज से अपने फ्यूचर को अपने दिल को अपने मन को अपने विचारों को आज बो कर जाना है, यहाँ पर परमेश्वर के लिए बो कर जाना है। आज आप क्या बो कर जा रहे हो, आज कांटे बो रहे हो, लेकिन याद रखना जो आज बोने का फैसला ले रहे हैं बेशक आपके रास्ते में किसी ने कांटे बोए होंगे, लेकिन कल जाना कोर्ट में आपके सामने फूल बिछे होंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों ने मेरी जिंदगी में कांटे बोए, बहुत सारे लोगों ने बोए, मैं 3 महीने जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी फूल डाल दिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज आपकी जिंदगी में किसी ने कांटा बोया होगा। पत्रस ने कहा परमेश्वर ये कांटा बाहर निकाल दे, परमेश्वर ने कहा कांटा बाहर नहीं निकालूंगा, कह रहा मैं तुझे बताऊंगा किसने तेरे जीवन में कांटे बोए, तू प्यार रखेगा, तू कहेगा कांटे नहीं है ये तो फूल है फूल है फूल है। बोलो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाएं